नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहे छी अहाँ सब। हाल समाचारक संग हम छी राशि। बिहारक बक्सर में बीतल रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त भ गई। बक्सर से चलते रघुनाथ स्टेशनक लगीच ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भेल। हादसा में ट्रेनक 6 बोगी पटरी से उतर गेल, जाहि से 4 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि और 100 से बेसी लोग घायल छथि। लेकिन ई हादसा भेल तखन ट्रेनक स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटाक छल। ट्रेनक पहिल बोगी में सवार आराक बाबू बाजार निवासी अशोक जनौले जे हुनक संगे आराक सामाजिक कार्यकर्ता मंगलक मय समय 3 गोटे राति करीब 8:30 बजे विद्यांचल से ट्रेन में सवार भेल छला। राति 9:30 बजे अचानक जोरदार आवाजक संगे ट्रेन हिलय लागल। पहिल बोगी दुर्घटनाग्रस्त भ गेल। बोगी में चीख पुकार मच गेल छल और लोग सब कोनो प्रकार से ट्रेन से बाहर निकलबाक कोशिश कर रहल छला। मामूली रूप से चोटिल पटनाक शुभम जनौलनि जे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उक्त ट्रेन में सवार भेल छला। रघुनाथपुर स्टेशन से ठीक पहले अचानक ट्रैक चेंज भेला से पहले कड़कड़ाहटक आवाज आयल। तकर धरि ऊपरी सीट से यात्री नीचा खसि पड़े लगल। तखन ओ देखला जे ट्रेन से बोगी अलग भ गेल छै। उक्त बोगी रघुनाथपुर स्टेशनक प्लेटफॉर्म संख्या 4 में जाकर सट गेल छल और बोगी से कूद कर लोग जेना तेना निकलब प्रयास में छला। एक हादसा चलते PDDU जंक्शन से गुजरे वाला ट्रेन जतय ततय ठहर कर गेल। PDDU जंक्शन से भर कर गुजरे वाला डाउन महानंदा एक्सप्रेस के चीना में असीमपांचल एक्सप्रेस के दिलदार नगर में रोक देल गेल। घटनास्थल पर पुलिसक जवान स्थानीय लोकक संगे मिलकर बचाव कार्य में जुटल रहला। सीढ़ी लगाकर डिब्बाक भीतर फसल लोग के बाहर निकालल गेल। स्थानीय लोकक भीड़ से राहत कार्य में परेशानी से हो गई। पुलिस और प्रशासनक अधिकारी बेर बेर लोग से ओतय से हटबाक अपील करते रहला। रातिक अंधेरा में मोबाइलक रोशनी में बचावक कार्य चलल। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसक दुर्घटनाग्रस्त भेलाक जानकारी भेटे लोग मदद लेल पहुंचल छला। अभाविपक दीपक कुमार जनौलनि जे मोबाइल लाइट जला कर लोग मदद कर रहल छला। जख्मी यात्री के इलाजक लेल अस्पताल पठाओल गेल। घटनाक बाद कटिहार रेल मंडल हेल्पलाइन सेहो जारी कयलक अछि। जनतब दी जे रेल हादसा में मृतकक परिजन के बिहार सरकारक दिस सँ 4 लाख टकाक मुआवजा देबाक ऐलान कयल गेल अछि। अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला चैप्टर। कैमरा पाछा सहयोग करैत छी विशाल। हम छी राशि। धन्यवाद। नमस्कार।